घटना है फिरोजाबाद के यूनिटी हॉस्पिटल के नजदीक गो 69 पिज्जा रेस्टोरेंट की, जहां रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसमें सैम लगा दी। जैसे ही आज रेस्टोरेंट मालिक को सूचना मिली और उसने मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि चोरों ने एग्जॉस्ट खोलकर उसके रास्ते से अंदर आ गए और रेस्टोरेंट में रखा कीमती लैपटॉप, LED व 2500 रुपए नकदी ले गए। इसकी सूचना रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस प्रशासन को दी है। पुलिस प्रशासन ने मौके का जायजा लेकर अग्रिम कार्यवाही करने की बात भी कही है। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता सचिन यादव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या मामला है, क्या घटना हुई आपके साथ? सर, जैसे ही रात को जैसे हम गए थे इसको क्लोज करने के बाद में, मैं और अंकल जी और भी स्टाफ था, बंद करके जैसे ही जाते हैं तो रात को 11 बजे हम लोग यहाँ से गए थे। कहाँ से गए थे, किस जगह? ये गो 69 की जगह से। क्या चीज है गो 69? रेस्टोरेंट। कौन सी जगह पड़ता है ये? सर, यूनिटी हॉस्पिटल के पास में, नगला बाबू के पास पड़ता है। किस प्रकार का क्या मामला हुआ है? सर, मामला ये हुआ, जैसे मैं सुबह 10:30 बजे से ओपन करने आया, जैसे ही मैंने शटर खोला, गेट लॉक खोला, उसके बाद जैसे एंटर किया तो यहाँ पर सब कुछ, ये ड्रॉल का काउंटर का फाइल वगैरह जो थी वो सब पड़ी हुई थी, और मैंने काउंटर पर सबसे पहले मेरी नज़र गई तो सबसे पहले मैंने लैपटॉप देखा तो लैपटॉप काउंटर पर नहीं मिला। फिर मेरी दोबारा नज़र फिर LED पर जाती है तो LED नहीं थी, तो मैं तुरंत समझ गया कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ, कोई चोरी हुई है, तो मैं तुरंत पीछे वापस लौट गया। वापस आने के बाद में दूसरा और भी वर्कर है, लड़की काम करती है, वो आई, मैंने उसको बताया, तुरंत फिर मैंने जो यहाँ के ऑनर है उनके पास कॉल किया। उसके बाद में सर नज़र जाती है अंदर किचन में जाके देखा तो एडजस्ट जो था वो उखड़ा हुआ पड़ा था, और वहीं से जो है उन लोगों ने आगे एंटर किया है। एंटर करने के बाद में सारे जो भी कैश था हमारा, 2,500 रुपये कैश था, 2,200-2,300 रुपये समथिंग छोड़ के गए थे, कल की सेल जो थी वो नहीं था, स्वाइप मशीन नहीं थी, और हमारा लैपटॉप और प्रिंटर, LED वगैरह, ये बाकी के सामान, और उन्होंने AC भी उखाड़ने की कोशिश की थी सर। लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग सर मार के चला 2.5-3 लाख रुपए के समथिंग था।